नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कॉन्स्टेबल 2018 किस जोन में कितने फॉर्म भरे गए, कंपटीशन कितना रहेगा, यानी एक सीट के ऊपर कितने विद्यार्थी हैं आपके जोन में, और कट ऑफ सबसे कम कहाँ की रहेगी। दोस्तों ये पूरी जानकारी आपको हमें अलग अलग जोन वाइज देने वाले हैं कि आपने जिस जोन से फॉर्म भराया, जिस ग्रुप से फॉर्म भराया है, वहां पर कट ऑफ क्या रहेगी, एक सीट के ऊपर आपके जोन में कितने विद्यार्थी हैं और टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं। दोस्तों काफी सारे विद्यार्थियों ने बार बार कमेंट करके पूछा था कि सर टोटल कितने फॉर्म है, कंपटीशन क्या रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको आरपीएफ कांस्टेबल 2018 कंपटीशन की पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर दोस्तों आपने भी आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भरा है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और दोस्तों इस वीडियो में हम आगे चलें उससे पहले आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, तथा अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं और आरपीएफ कांस्टेबल से जुड़ी संपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के इस प्रकार से कर दीजिए, फिर दबाते इस प्रकार से हो जाएगा, उस पास में आ जाएगा बेल आइकन। अब आप इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके इसे भी ऑन कर दें ताकि जो भी आरपीएफ हम कांस्टेबल का वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकें। अब देखिए दोस्तों, हम देख लेते हैं सबसे पहले यहां पर ग्रुप वाइज पूरी जानकारी। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहां पर जिस ग्रुप की बात कर रहे हैं वो है ग्रुप ए। तो दोस्तों ग्रुप ए में आपको सभी को पता है वैकेंसियां हैं 1731, और दोस्तों यहां पर टोटल फॉर्म आए हैं ग्रुप ए में 9 लाख। और दोस्तों अगर आप इस हिसाब से देखें तो एक सीट पर 519 विद्यार्थियों का कंपटीशन है ग्रुप ए में रहने वाला है। अगर दोस्तों आप 9 लाख में 1731 का भाग देंगे तो 519 ही आएगा। और दोस्तों आपको पता है मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसियां हैं 50% मेल और 50% फीमेल। आप देखें दोस्तों ये बात हो गई ग्रुप ए की, यहां पर कंपटीशन है वो न ज्यादा कम और न हम बहुत ज्यादा कह सकते हैं, नॉर्मल कंपटीशन रहेगा ग्रुप ए में। अब बात करते हैं ग्रुप बी की। तो दोस्तों ग्रुप बी में वैकेंसियां हैं 1152, आप सभी को पता है मेल और फीमेल दोनों की। तो दोस्तों यहां पर टोटल फॉर्म आए हैं 5 लाख, और दोस्तों एक सीट पर विद्यार्थियों की संख्या है 434। देखिए दोस्तों ग्रुप बी में कंपटीशन है वो ए के मुकाबले काफी कम है, ग्रुप बी का कंपटीशन है वो कम ही रहने वाला है। एक सीट के ऊपर 434 विद्यार्थियों का कंपटीशन है, टोटल फॉर्म लगभग 5 लाख है। अब दोस्तों चलते हैं अगले ग्रुप की तरफ। तो दोस्तों ग्रुप सी में टोटल वैकेंसी है 2678, आप सभी को पता है मेल और फीमेल दोनों की। टोटल फॉर्म दोस्तों इसमें आए हैं 15 लाख, और एक सीट के ऊपर विद्यार्थियों का कंपटीशन रहने वाला है 560। देखिए दोस्तों ग्रुप सी में है वो कंपटीशन थोड़ा ज्यादा ही रहने वाला है, क्योंकि यहां पर आप देखिए वैकेंसियां ज्यादा है, इसलिए वैकेंसियां थोड़ी ज्यादा होने के कारण यहां पर आवेदन है वो ज्यादा है, और इसीलिए एक सीट पर 560 विद्यार्थियों का कंपटीशन रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रुप डी की। तो दोस्तों ग्रुप डी में वैकेंसियां है 2052, और दोस्तों टोटल फॉर्म यहां पर आए हैं 21 लाख, एक सीट के ऊपर विद्यार्थियों की संख्या है 1023। यहां पर दोस्तों ग्रुप डी में कंपटीशन है वो सबसे ज्यादा रहने वाला है, एक सीट के ऊपर 1023 विद्यार्थियों का कंपटीशन। यानी अगर आपने ग्रुप डी से फॉर्म भरा है तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा आरपीएफ कांस्टेबल 2018 में। और अगर आपने भी ग्रुप डी से फॉर्म भरा है तो तैयारी में जुट जाओ, जी जान से तैयारी करो ताकि आपका भी सिलेक्शन हो जाए। और दोस्तों आप यहां पर देखें ग्रुप सी में वैकेंसियां ग्रुप डी के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन फॉरम ग्रुप सी में कम है, क्योंकि विद्यार्थियों ने इस प्रकार से फॉरम भरे हैं कि सबसे ज्यादा वैकेंसी है ग्रुप सी में तो हम दूसरे नंबर पर भर देते हैं, इसलिए सभी विद्यार्थी ग्रुप डी में जा पहुंचे और यहां पर टोटल फॉर्म है वो दोस्तों ज्यादा हो गए। और दोस्तों आपको पता है ग्रुप डी में विद्यार्थियों की संख्या भी वैसे ज्यादा ही है। अगला ग्रुप है दोस्तों ग्रुप ई। तो ग्रुप ई में वैकेंसी आए 340, और दोस्तों कुल फॉर्म यहां पर आए हैं मात्र 75,000, एक सीट के ऊपर 220 विद्यार्थियों का कंपटीशन है। दोस्तों ग्रुप ई वो ग्रुप है जिसमें यहां पर कंपटीशन सबसे कम रहेगा, दोस्तों एक सीट के ऊपर मात्र 220 विद्यार्थियों का कंपटीशन ग्रुप ई में रहने वाला है। अगर आपने इस ग्रुप में से फॉर्म भरा है, ग्रुप ई में फॉर्म भरा है, तो दोस्तों आपके लिए अच्छी खबर हम कह सकते हैं, कम तैयारी में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस आप आराम से अपनी तैयारी जारी रखें। अगला ग्रुप दोस्तों यहां पर है ग्रुप एफ। तो ग्रुप एफ में टोटल वैकेंसी है 666, कुल फॉरम आए हैं लगभग 4,30,000। अगर एक सीट पर विद्यार्थियों की बात करें तो एक सीट पर 645 विद्यार्थियों का कंपटीशन रहेगा, यानी ग्रुप एफ में भी कंपटीशन ज्यादा ही है, हम बहुत कम कंपटीशन ग्रुप एफ में नहीं कह सकते। अब दोस्तों आप देखिए
यहाँ पर है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सबसे ज्यादा कट ऑफ कहाँ की जाएगी, तो दोस्तों सबसे ज्यादा कट ऑफ है वो तो सीधी सी बात है कि ग्रुप डी की जाएगी, क्योंकि ग्रुप डी में कंपटीशन है वो अन्य ग्रुपों के मुकाबले लगभग दो गुना है, एक सीट के ऊपर 1000 से भी अधिक विद्यार्थी। इसलिए दोस्तों ग्रुप डी में अगर आप है तो थोड़ा सा सावधान रहकर पढ़िए, आराम से पढ़िए, बिल्कुल फोकस अपने पूरी पढ़ाई के ऊपर रखिए, आपको अच्छी तैयारी करनी होगी। अगर दोस्तों बात करें सेफ ग्रुप की, यानी आपकी कट ऑफ है वो सबसे कम किस ग्रुप की रह सकती है, तो दोस्तों यहां पर एक तो ग्रुप ए, इसकी भी आप बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं कर सकते, और दूसरा है ग्रुप ई। ग्रुप ए और ई है, ये देखिए आपके लिए हम सेफ ही कहेंगे, इनमें ज्यादा कंपटीशन नहीं है। और दोस्तों वैसे अगर देखें तो ग्रुप सी में भी आप देखें 560 विद्यार्थियों का कंपटीशन है, ये ग्रुप रहेंगे नॉर्मल। लेकिन दोस्तों ग्रुप एफ और यहां पर है ग्रुप डी, ये दो तो बिल्कुल यहां पर आप ये समझिए, अगर आप इनमें से है तो आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, खासकर ग्रुप डी में। तो दोस्तों यहां पर देखें आरपीएफ कॉन्स्टेबल 2018 कंपटीशन की पूरी जानकारी आपको हमने दे दी है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, ये वीडियो आपके मन को अच्छा लगा है, तो वीडियो के ऊपर एक लाइक तो बनता ही है, तथा अगर दोस्तों आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देंगे तो आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस जानकारी को प्राप्त करके इससे लाभ उठा सकेंगे। और दोस्तों आप इसी प्रकार से आप कॉन्स्टेबल 2018 से जुड़ी पल पल की अपडेट तथा संपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।